सिडनी देख लो, सुपर हीरो मूवीज की बात ही कुछ और होती है। हाँ दोस्तों, आ चुकी है इस साल की लास्ट और बेस्ट ट्रेलर, जिसे आप जितनी बार भी देखोगे ना उतनी बार तारीफ करोगे। प्रसन्न वर्मा, फाटी डायरेक्टर। वैसे तो फिल्म की बजट सिर्फ 16 करोड़ है, मगर कंटेंट और VFX के मामले में बॉलीवुड की आदि पुरुष जैसे मूवी को 100 बार टक्कर दे सकती है। बाकी ट्रेकी शुरुआत ही जबरदस्त सीन से होती है, जिसमें तेजस अजय का कैरेक्टर पानी के अंदर होता है और वहाँ रक्त रतन को दिखाया जाता है, जिसके अंदर भगवान हनुमान की शक्ति है। शायद ये वही सीन है जब तेजस अजय के कैरेक्टर को हनुमान जी की शक्ति मिलती है और फिर वो सुपर हीरो बन जाता है। कुछ लोग समझ रहे थे कि तेजस अजय का कैरेक्टर हनुमान है और फिल्म में हीरोइन होने की वजह से नाराज थे, मगर नहीं दोस्तों, हनुमान भगवान है फिल्म के अंदर, पर वो तेजा का कैरेक्टर नहीं है। उन्हें तो सिर्फ भगवान की थोड़ी सी शक्ति मिल जाती है। छोड़ो, अब स्टोरी पे आते हैं। ट्रेक के फर्स्ट सीन में जो स्लोग सुनने को मिलती है, उसका मतलब क्या आपको पता है? नहीं पता? कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। ये तो धर्मस्तत्व हनुमान, मतलब जहाँ धर्म है वहाँ हनुमान है। ये तो हनुमस्तत्व जया, मतलब जहाँ हनुमान है वहाँ जीत है। उसके बाद जब रक्त रतन से भगवान श्री राम की नाम सुनाई देती है, वो मेरे लिए गूज़बम्प्स मोमेंट थी। फिर बैकग्राउंड में जो म्यूजिक सुनने को मिलती है रघुनंदन की, वो सीधे दिल को छू जाती है। क्या बैकग्राउंड म्यूजिक है यार, ऑसम। और उसके साथ जो विजुअल देखने को मिलती है, काफी खूबसूरत नजर आती है। फिर हमारे सुपर हीरो को दिखाया जाता है जो चीते के साथ दौड़ लगा रहे थे, शायद ये देखने के लिए कौन कितना तेज है। उसके बाद सुपर हीरो की पावर का छोटा सा नमूना दिखाया जाता है। हनुमान भगवान ने संजीवनी पर्वत उठा लिए थे और यहाँ हमारे सुपर हीरो बड़ा सा पत्थर उठा लेते हैं। उसके बाद विलेन को दिखाया जाता है जो सुपर हीरो जैसे सूट पहन के लोगों को मार रहा होता है। फिर पता चलता है उस सूट में पावर है, पर कहाँ विलेन उतने में ही खुश होने वाला था। उसे सिर्फ सूट में पावर नहीं चाहिए, उसके रग रग में ताकत होनी चाहिए, इसलिए वो असली ताकत ढूंढ रहा होता है। उसके बाद हनुमान भगवान का बड़ा सा मूर्ति दिखाया जाता है, जहाँ कुछ हेलीकॉप्टर जा रहा होता है और हनुमान जी की मूर्ति के आसपास ही शायद हमारे सुपर हीरो का गांव भी है, जिसके अंदर ताकत ढूंढते ढूंढते विलेन पहुँच जाता है। फिर कुछ गुंडे हमारे हीरो को मारने के लिए आ रहे होते हैं, तभी भरा लक्ष्मी का कैरेक्टर, जो कि यहाँ हमारे हीरो की बहन है, वो सारे गुंडों को नारियल से धो डालती है, जिसे देख के आप सीटी मारने के लिए मजबूर हो जाओगे। जब गदर मूवी की ट्रेलर आई थी, तब सोनी पाजी के दमदार डायरेक्शन के सीटी मारने के लिए मजबूर हो गई थी और आज इस ट्रेलर को देख के। फिर दिखाया जाता है एक बाबा किसी महासंकट के बारे में कह रहे होते हैं। उसके बाद उस महासंकट की थोड़ी सी झलक दिखाई जाती है, जिसमे गोलियों की बौछार हो रहा होता है और एक बच्ची की आंखों से खून बह रहा होता है। उसके बाद हमारे सुपर हीरो को कोई मार के खाई में फेंक देता है। वो सीन मुझे काफी अच्छी लगी, एक पल के लिए दिल की धड़कन रुक जाती है। फिर जितने भी सीन देखने को मिलते हैं, वो सारे सीन जबरदस्त माइंड ब्लोइंग आउटस्टैंडिंग सीन है। ये सब भी सार काम है। जब तेजाजय श्री राम कहकर एक डंडे को नीचे पटकते हैं, तभी उनके पीछे श्री राम की छवि देखने को मिलती है और उसके साथ जो दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिलती है, सच में रोंगटे खड़े कर देते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, जब वो बाबा कहते हैं मानवता को सर्वनाश से बचाने के लिए आपको आना पड़ेगा, तब जिस तरह हनुमान भगवान जहाँ तप कर रहे होते हैं उस जगह को दिखाया जाता है ना, दिल की धड़कन तेजी से बढ़ने लगती है। और तभी हनुमान जी को दिखाया जाता है जो बर्फ के अंदर होते हैं। जब वो आँखें खोलते हैं तो वो बर्फ टूट जाता है। मैं तो देखती ही रह जाती हूँ। क्या सीन था यार, कसम से ये 2024 की नंबर 1 फिल्म होने वाली है मेरे लिए। क्या डायलॉग है, क्या BGM है, क्या परफॉर्मेंस है, हर एक सीन गूज़बम्प्स देती है। इसे कहते हैं ट्रेलर। अब मैं सिर्फ आप सबको एक बार कहना चाहती हूँ, हमारे इंडिया में पहली बार इतनी अच्छी फिल्म बन रही है। प्लीज दोस्तों, इस फिल्म को जरूर देखना। मास मसाला फिल्म या कोई बड़े एक्टर की फिल्म भी मत देखो। अगर हम ऐसी फिल्म को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आगे ऐसी फिल्म नहीं बनेगी, इसलिए इस फिल्म को जरूर देखना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, खत्म।